हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा जो है वो भारत से होकर भी गुजरती है। कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। तो कर्क रेखा जब भारत से होकर गुजरती है तो भारत के कौन कौन से राज्य को टच करती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और उसकी ट्रिक भी जानेंगे। तो ये जो कर्क रेखा है, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं, ये भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है और भारत के कुल 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। तो इसे जानने से पहले हम थोड़ी सी इसके बारे में, कर्क रेखा के बारे में जानकारी देख लेते हैं। तो ये हुआ हमारा अर्थ, मीन्स पृथ्वी। पृथ्वी को जो बीचों बीच से डिवाइड करती है, ये है 0 डिग्री। पृथ्वी को जो बीचों बीच से डिवाइड करती है वो हुआ भूमध्य रेखा। और हमने बात की थी जो भारत को बीचों बीच से डिवाइड करती है वो है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है? यहाँ पर है, भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री पर। जो काल्पनिक रेखाएं हैं, जो अक्षांश पर स्थित है, वो है कर्क रेखा। यहाँ पर है उत्तरी गोलार्ध, यहाँ पर है दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि ये दक्षिण में स्थित है। उसी प्रकार ये जो भूमध्य रेखा है उसके 23.25 मीन 23.5 डिग्री पर जो रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं अक्षांश पर स्थित है, वो है मकर रेखा, जिसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये है मकर रेखा और ये है कर्क रेखा। हमने यहाँ पर अक्षांश की भी बातें की है। तो अक्षांश क्या होती है? पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं वो है अक्षांश रेखाएं। ये सभी हैं अक्षांश रेखाएं। और देशांतर क्या होती है? उत्तर से दक्षिण की ओर जो खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं वो सभी हैं देशांतर रेखाएं। तो ये सभी है देशांतर, ये आप देख रहे हैं। चलिए आगे छोटी छोटी बातें भी जान लेते हैं, जैसे कर्क संक्रांति क्या होती है। जब कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत स्थिति में होता है तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, जो कि होता है 21 जून को। वैसे ही मकर संक्रांति होती है, जब मकर रेखा पर सूर्य लंबवत स्थिति में होती है तो दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है वो होता है 22 दिसंबर को। तो ये हुआ मकर संक्रांति। उसी प्रकार जब भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधे सिर के ऊपर रहता है, अर्थात सूर्य की जो किरणें लंबवत स्थिति में विषुवत रेखा, या जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, उस पर पड़ती है, तो इस स्थिति को इक्विनॉक्स या विषु कहते हैं। इस स्थिति में जो दिन और रात होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं, जो कि होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। हमने बताया कि कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि है मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। और उसे याद रखने का ट्रिक है मित्र पंगुराम छाछ। मित्र पंगुराम जो है वो छाछ है, छाछ मीन्स दही समझ लीजिए, मित्र पंगुराम छाछ है। मी से हुआ मिजोरम, त्र से हुआ त्रिपुरा, प से हुआ पश्चिम बंगाल, गु से हुआ गुजरात, आर से हुआ राजस्थान, म से हुआ मध्य प्रदेश, छ से हुआ छत्तीसगढ़ और झ से हुआ झारखंड। तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, जिसका ट्रिक है मित्र पंगुराम छाछ है। आई होप कि आपको यह समझ आ गया होगा। तो इस प्रकार हम 8 राज्यों को मैप में भी देख लेते हैं। तो वो राज्य हैं, ये है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस प्रकार ये टोटल 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा से होकर गुजरती है, भारत के राज्य। कुछ याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें भी जान लेते हैं। जैसे भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, कर्क रेखा जो है भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, और अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, तीनों ही रेखाएँ इनको अफ्रीका महाद्वीप को काटती है।